चैनल। सो गाइज, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। एक बात मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जब आप किसी गड्ढे को खोदते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई गड्ढा दिया जाए और आपसे बोले आप इसे खोदिए, आप वो गड्ढे को डेली खोद रहे हैं और अचानक से आपके मन में आता है कि अब 2 दिन का ब्रेक ले लिया जाए और 2 दिन के बाद हम इस गड्ढे को दोबारा खोदेंगे। आप 2 दिन बाद वापस पहुंचते हैं और आप क्या देखते हैं कि आपने जो पहले उस गड्ढे को खोदा था, उस गड्ढे में धूल मिट्टी और ये सब कुछ वापस से भर गया है और उस पर एक लेयर फिर से चढ़ गई है। अब आप क्या करेंगे? अब आप सबसे पहले तो उस लेयर को हटाएंगे। उस लेयर को हटाने के बाद फिर आप पहुंचेंगे अपनी उस डेप्थ पर जो आपने पहले खोद के रखी थी, और फिर अब आप उसे दोबारा से खोदना चालू करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि आपको एक अननेसेसरी मेहनत, एक अनावश्यक मशक्कत आपको वहां करनी पड़ेगी, ठीक है? और इसमें जाएगा आपका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो है आपके समय का। ये जो मैंने आपको गड्ढे वाला उदाहरण दिया है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है और ये आपके ऊपर सूट कर रहा है। लॉकडाउन पीरियड के कारण काफी सारे एस्पिरेंट्स, काफी सारे बच्चे, काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि इस साल कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी तो हम अभी से क्यों पढ़ें, हम भी बढ़िया अपना टीवी देखें, सोएं और बढ़िया देर से सुबह सो के उठें और मस्ती से अपना लॉकडाउन एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटालिटी, जिनकी मानसिकता ये बनी हुई है कि जब वैकेंसी आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा, हम तभी तैयारी शुरू करेंगे, अभी से करेंगे तो तब तक भूल जाएंगे, इसलिए अभी से करने से क्या फायदा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि वही गड्ढे वाला उदाहरण आपके ऊपर सूट हो रहा है, बिल्कुल जच रहा है आपके। आप रोज पढ़ाई करते थे, आप रोज तैयारी करते थे इस उम्मीद से कि कोई ना कोई वैकेंसी आएगी और हमें पेपर देना है। अब आपने वही लॉकडाउन के कारण जो अपनी पढ़ाई को एक तरफ कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो गए हैं। आपकी उस तैयारी पर, आपकी उस पढ़ाई पर भी एक लेयर चढ़ गई है, ठीक है? और उस लेयर ने आपकी पढ़ाई की जो एक लय थी, एक लिंक थी, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है। यकीन ना हो तो आप कोई भी टॉपिक जो आपको आपने पहले पढ़ा है, आप उसे आजमा के देख लेना कि आपको वो कितना याद है। फ्रेंड्स, मैं आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ कि अभी का जो समय है वो गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड का मतलब क्या है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी जो आप पढ़ाई करोगे, अभी जो आप तैयारी करोगे, तो वो आप फ्रीली कर पाओगे, क्योंकि अभी एग्जाम देने का कोई प्रेशर आपके माइंड पर नहीं है। लेकिन गाइस, जैसे ही वैकेंसी आती है, जैसे कोई नोटिफिकेशन आउट होता है, एक प्रेशर हो जाएगा कि अरे यार, हमारा सेट डेट को पेपर है, अभी तो ये रह गया, अभी तो वो रह गया, हम ये रिवाइज नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। आप खुद सोचिए कि प्रेशर के साथ, दिमाग में प्रेशर के साथ पढ़ना अच्छा होता है या बिल्कुल फ्रीली बिंदास होकर पढ़ना अच्छा होता है। यही अंतर समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये छोटी सी वीडियो आज हम बनाई है, और इस वीडियो के मीडियम से मैं बस आपको यही मैसेज दे रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन में पढ़ना या फिर इस साल पढ़ना बेकार है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लेकिन बाकी सारे लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पहले तो उनसे ही पीछे हो रहे हैं, ठीक है? एग्जाम की तो मैं बात ही नहीं कर रही। पहले तो आप अपना कॉम्पिटिशन ही देख लीजिए। उस समय जब वैकेंसी आएगी, तो उस व्यक्ति की पढ़ाई का रेशियो और आपकी पढ़ाई का रेशियो आप देख लीजिएगा कि आपको कितना डिफरेंस वहां पे मिलेगा। तो आप इसको ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि इस साल कोई भर्ती नहीं आएगी। गाइस, भर्तियां आएंगी, ठीक है? भर्तियां आएंगी। समय हमेशा एक सा थोड़ी रहता है। अभी अगर लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अभी अगर हम लोग इतना परेशान है, तो किसी ने ऐसा बोला है आपसे कि बिल्कुल आगे तक ही ऐसा होना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना काम क्यों छोड़िए? आप अपना काम क्यों छोड़ रहे हैं? आप मत छोड़िए अपना काम, आप तो अपना कर्म करते रहिए, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। क्योंकि गाइस, जब वैकेंसी आएगी, गॉड नोस के क्या उनके नया उनका सिलेबस रहेगा या कुछ चीजें मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, ये हमें कुछ नहीं पता है। तो जो चीजें हमारी स्ट्रांग हैं, एटलीस्ट हम उन्हें और ज्यादा अच्छे से मजबूत करके तो रख सकते हैं। तो आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, आप लॉकडाउन के कारण अपनी पढ़ाई पर उसका असर मत डालिए। आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं, हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम क्या करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आपकी स्थिति भी उस गड्ढे की
लेयर की जैसी हो जाएगी कि आपकी पड़ी हुई चीजें जो कहीं ना कहीं आपका प्लस पॉइंट रही थी, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, कहीं ना कहीं उस पर भी उसी तरह की लेयर चढ़ जाएगी और फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम उस चीज को पढ़ने में भी देना पड़ेगा जो आपके लिए सबसे अच्छी और सबसे स्ट्रांग थी। गाइज अगर मैं आपसे कुछ डेटाबेस को लेकर अगर मैं बात करती हूँ आज, तो आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं सन 2013 की बात करूं तो सन 2013 में लगभग 15 वैकेंसीज आई थी, उसी तरीके से 2014 में 9, 2015 में 1, 2016 में 10, 2017 में 15, 2018 में 12, लेकिन 2019 का जो आंकड़ा है नंबर ऑफ वैकेंसीज का गाइस वो शून्य है, जीरो है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे, हमने तो वर्ग एक और वर्ग दो के पेपर दिए थे, आप कैसे कह रहे हो। तो मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, वो जो पेपर आपने 2019 में दिया था उसकी रचना तो 2018 की थी, वो नोटिफिकेशन वो विज्ञापन तो सन 2018 में आया था, ठीक है। एग्जाम का एग्जीक्यूशन, जो एग्जाम एग्जीक्यूट हुआ है वो 2019 में हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने एक छोटा सा डेटाबेस रखा है 2013 से लेकर 2019 तक का, वो मैंने क्यों रखा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2013 से लेकर 18 तक के पीरियड में जो वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, वो सब शिवराज सरकार के समय की हैं। अब शिवराज सिंह जी दोबारा से अपने पद पे आ गए हैं, दोबारा से उन्होंने एमपी का कार्यभार संभाल लिया है, तो आप इस बात की उम्मीद बिल्कुल अपने मन में बैठा लीजिए कि वैकेंसीज बिल्कुल आएंगी आएंगी और आएंगी। अपनी तैयारी पे उस चीज का असर आप बिल्कुल मत डालिए। इन वैकेंसीज में एमपी पुलिस की वैकेंसी भी शामिल है, ठीक है। 2019 में वैकेंसी बिल्कुल जीरो रही है, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। ये पूरा डेटाबेस आपके सामने है। कुछ नियमों की अगर मैं बात करूं, जैसे कि 2019 में भी कम से कम 15 वैकेंसीज आनी थी और इसका पूरी तरीके से जो पूरा कैलेंडर है वो पीईबी की वेबसाइट पर बकायदा डाला हुआ था, बट किन्हीं कारणों के से उन्होंने उसको वहां से वेबसाइट से हटा दिया, यानी कि वो वैकेंसी वहीं की वहीं रह गई। एमपी पुलिस की वैकेंसी भी उन 15 वैकेंसी में शामिल थी। तो गाइस ये मेरा कहने का मतलब है आपसे कि वैकेंसीज आएंगी और हो सकता है कि आपको ज्यादा टाइम तैयारी करने के लिए नहीं मिले, तो आप ऐसी वापस क्यों ला रहे हैं, क्यों आप अपने इतनी समय की तपस्या को भंग कर रहे हैं। आप लोग ने इतनी डेडिकेशन से इतने समर्पण से अब तक तैयारी की है, लेकिन क्यों इस लॉकडाउन के भ्रम के कारण आप अपनी तैयारी को प्रभावित कर रहे हो। आप अपनी तैयारी जारी रखो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप 24 घंटे पढ़ाई करो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन गाइस अपनी मानसिकता को ऐसा मत करो कि वैकेंसी इस साल नहीं आएगी, जब आएगी तब पढ़ेंगे, अभी से पढ़ के क्या करेंगे। गाइस पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, आप उसे जितना पॉलिश करेंगे वो उतनी निखर के आपके सामने आती है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही समझाना चाह रही थी, यही आपसे निवेदन करना चाह रही थी कि आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, आप पढ़ते रहिए, आप अपनी लिंक को ब्रेक मत करिए, वैकेंसीज बिल्कुल आएंगी। और अगर हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसीज आए तो हम अपने घरों में रहें, कोरोना से रिलेटेड गाइडलाइन जो भी सरकार की आती है हम उसको फॉलो करें, तो हमारे देश से ये संकट जल्दी दूर हो जाएगा। और अगर संकट जल्दी दूर हो जाएगा तो फिर गाइस हमारे पास नौकरी के भी काफी सुनहरे अवसर हमें प्राप्त होंगे। तो आप अपने जिम्मेदारियों का भी वहन कीजिए, आप उन्हें भी समझिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी जल्दी हमारे देश से प्रॉब्लम जाएगी उतनी जल्दी वैकेंसीज आएंगी। तो हम घर में रहें अपने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, लेकिन साथ ही साथ हम पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। हम लोग निरंतर आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस ला रहे हैं और भी हम रोज प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ नया लाए, कुछ बेहतर लाए। भविष्य के लिए भी हमने आपके लिए काफी सारी चीजों को प्लान करके रखा है। सो गाइस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार अपना भरोसा हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।